अथ तेषां तत्कुलशोपं वचनं समाकर्ण मत्सया परस्परं प्राहु। श्रुतो अयं धीव्रालापः, अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यं? तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्रायः नूनं प्रभात समये धीव्रः अत्रागम मत्स्य संचयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। तन्न युक्तं साम्प्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुतं तुम् अस्माभिः रात्रौ एव किञ्चित् समीपं शरः गन्तव्यम्। अहं तावत् जलाशयान्तरं गच्छामि। मीन्स् देन् हैविंग हर्ड अटेंटिवली देयर स्पीच रिजेम्बलिंग अ थंडरबोल्ट द फिश सेड टू वन अनदर दिस कन्वर्सेशन ऑफ फिशरमैन इज हर्ड नाउ शुड बी डन बाय अस द फिश नेम अनागत विधाता। They are said, I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally. So it is not right to stay here even for a moment. Tonight itself we should go to a lake nearby. As for me, I am going to another lake. Apraha pratyupannamati praha bhavishyatarthe pramanabhavat kutramaya gantavyam तदुत्पन्ने यथा कार्यं तदनुष्ठेयं तथा चोक्तं उत्पन्नामा पदं यस्तु समाधत्ते सबुद्धिमान। तो प्रत्युपन्नमति ही द अदर फिश सेड सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर व्हाट विल हैपन वेयर शुड आई गो सो व्हेन द ऑकेशन अराइजेस I should do whatever should be done. It is said he who resolves the calamity when it comes is really intelligent. Tato yad bhavishyen uktam dhivranam vachan matren pitra petra mahikasya jalasayasya tyaga na yujyate. Yadi ayu chayo asti tada anyatra गता नाम अपि मृत्यु भविष्यति एव उक्तम च। तो देन इट वाज सेड बाय यद भविष्य थर्ड फिश। तो देन इट वाज सेड बाय यद भविष्य इट इज नॉट राइट टू लीव टू लेक दैट बिलोंग्स टू आवर फोर फादर्स इफ द लाइफ इज ओवर देन इवन बाय गोइंग एल्सवेयर डेथ विल टेक प्लेस एंड इट इज सेड यत भावी न तद भावी भावी चिन्ह तदन्यथा इत चिंत विषयो विषग्नो अयम गदा किम न पीयते। मीन्स वट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन इफ समथिंग इज गोइंग टू गो हैपन इट विल नॉट चेंज द अदरवाइज व्हाई इज दिस मेडिसिन विल पुट्स and into the poison of anxiety not drunk.